मगर जो फतवा कल 17 तारीख को दिया गया है, ये 2-3 महीने के पहले देना चाहिए था। ट्रिपल तलाक के टेम्पो भी देना चाहिए था। लोगों को इकट्ठा जमना इनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सिर्फ ये लोगों के सर के ऊपर बैठती है। बंद एक ऐलान अपने शरिया के दायरे में रहते हुए करना चाहिए था, नहीं करे। जो ट्रिपल तलाक में जो होगा वही कल हॉनरेबल हाई कोर्ट में विद रेस्पेक्ट टू हाई जजेस उन्होंने किए हैं। ये एकदम गलत, सरासर गलत, मुसलमानों के लिए गलत, अपने हदीस के लिए गलत, कुरान के लिए गलत, कुरान शरीफ के लिए गलत, और 150 करोड़ मुसलमान दुनिया के, ये तमाम लोगों के लिए गलत। ये फतवा, ये ऐलान, जैसा कल जुमेरा 17 तारीख को बंद का फतवा दिए हैं, ऐसे फतवे ट्रिपल तलाक के टाइम 3 महीने, दूसरा तलाक 3 महीने का मुद्दत, तीसरा तलाक 3 महीने, तो इस खुला हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में हमारे लोग देने पर्पजली इंटेंशनली जानबूझ के छोड़ दिए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं अभी हमें रेस्पेक्टेड हॉनरेबल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रिवाइवल पिटीशन मांग सकते। रिवाइवल पिटीशन में यही शरिया के लोग आएंगे, यही शरिया के लोग बताएंगे, यही शरिया के लोगों से जो हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जो मदद करेंगे। ट्रिपल तलाक में है क्या? एक सेकंड में होने वाला है क्या? 9 महीने में होने वाला है? जो जजमेंट जब हुआ तब गलत वकाला गलत दिए, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट था इसमें, आरएसएस का और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, करके बता के रेस्पेक्टेड कोर्ट से ये कानून को बदल सकते हैं, बदलाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश में अभी लगेंगे, इसमें भी मुतवे लोग शरिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जान बूझ के अपने पॉलिटिकल लोगों की बात सुन के उनके फायदे में, ये नहीं है तो फायदा वो लोगों का होगा। दो फायदा है इसमें, एक नहीं है तो आरएसएस को हिंदू का वोट मिलेगा, जो नहीं है ये बता के जो आरएसएस के खिलाफ जो पार्टी बने हैं, जो सो कॉल सेकुलर पार्टी, उनको फायदा मिलेगा। ये दोनों से हमारी हदीस और कुरान का डैमेज, ये शरिया के हाथ में शरिया के लोगों से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको गुनाह है। ये लोग सामने आएंगे, इसका रिवाइवल कराएंगे, इसकी कोशिश पूरी करूंगा मैं। हिजाब के केस में क्या सर छपाना है, मुंह छपाना है, हाथ छपाना है, जिस्म छपाना है, तो ये तमाम कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। तो सूरत नहीं छपाना है, अपना हाथ नहीं छपाना है, सर पे कपड़ा सर छपाना है। ये चीज के ऊपर, ये बयानात के ऊपर, ये फतवा के ऊपर, एक भी केस, ये 10 केसों में कर्नाटक के अमीर शरिया की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। कोई वकाला, कोई ये जो बच्चे जो तकलीफ में आए 2-3, मैं भी पिटिशनर हूं, जब मैं पिटिशनर बना लास्ट में, तब अमीर शरिया से इजाजत लिया, इजाजत ना दिए उन्होंने, इजाजत दिए नहीं। जैसे मैं कोर्ट पे गया था, इनसे मदद नहीं मिली मेरे को, मदद इस अंदाज पे होना है। शरिया में क्या चाहिए, कुरान शरीफ में क्या है, हदीस में क्या चाहिए, हमें रखना है क्या नहीं है, कोर्ट में कोर्ट को जाना है नहीं है, यही काम होता है। इसके ऊपर फतवा जारी कर सकते हैं तमाम मुसलमानों के ऊपर, फतवा लागू होता है सिर्फ मुसलमानों को, लड़कियों को, मुसलमान के पिता को, इन बच्चों के पिता को, वकाला को, मुसलमान वकाला को, तमाम लागू होता है अमीर शरिया का। तलाक का मुद्दत क्या होती है, कोर्ट लिया गया कि भाई तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक 1.5 सेकंड में नहीं है, पूरे 9 महीने, 6 महीने से 9 महीने, ये समझाया नहीं, तो इसलिए कोर्ट के हाथ बंद थे। इसको खारिज करें, हमारे हदीस से, हमारे कुरान शरीफ से इसको निकाल दिए। इसका कारण भी शरिया के लोग बनते हैं, जिसमें आज हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट 16 तारीख या 15 तारीख के जजमेंट के बाद मार्च के हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्हों भी बेइज्जती करे, अभी बेइज्जती करके एप्लीकेशन जो ये पिटिशनर के एप्लीकेशन तक लिए नहीं, रिकॉर्ड में नहीं लिए, इसे जल्दबाजी बोल दिए इन्हें। इतना जल्दबाजी जब सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है
रेस्पेक्ट टू दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने समझते हैं जल्दबाजी नहीं करना, ये लोग जल्दबाजी करने की जरूरत चाहे एसडीपीए, कांग्रेस, जेडीएस, ये तीनों भी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं है, ये एक स्टेट का मामला नहीं है, ये मामला बेंगलुरु सिटी का नहीं है, ये मामला हिंदुस्तान के पूरे स्टेट का है। उसके बाद उसका असरात सऊदी अरेबिया से, लंदन से, अमेरिका से, हर मुसलमान को पड़ता है। तो इसमें जैसा रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कल कहा, इसमें जल्दबाजी नहीं है। आज ऐलान कर दिया जल्दबाजी ना करूं, तो जल्दबाजी करके 10 पिटीशन ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने, जुडिशियरी के सामने जो गए वो सरासर जल्दी में है, जल्दबाजी में है। 2023 के इलेक्शन को जैसा आरएसएस बीजेपी मुद्दा रखे, यही मुद्दे को इन्होंने दूसरे तरीके से दोनों का फैसला है किए, दोनों मुसलमान के हदीस को, कुरान शरीफ को धक्का देने की कोशिश में है, जिसका 100 करोड़ मुसलमानों को असरात होता है, 100 करोड़ मुसलमानों की इज्जत अपने हदीस से शरीफ के साथ जा सकती है। ये बगैर नजर रखते हुए जो काम किए जल्दबाजी में, ये गलत है। ऑर्डर भी मुसलमानों के हक में गलत आया। अभी जो जल्दबाजी कर रहे हैं वो जल्दबाजी जो रेस्पेक्टेड कोर्ट जैसा बताया बहुत जल्दी है, इसका टाइम होता है, टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट में जो मुसलमान के तबके हैं, जो मुसलमान के जो इलेक्टेड जो खर्जा लिए हैं मुसलमानों से, जो लीडर्स वोट के तहत वोट बैंक में मुसलमान से खर्ज लिया है, वो खर्जा जो खर्जदार है ये लोग जम के जो खर्ज दिया है ये लोगों की तरफदारी करके अपना उलमा के साथ अपने शरिया के अंडर, शरिया की रोशनी में जो करना है पूरे तरफ से फेलर हो गए, पूरा फेलर हो गया। त्रिपल तलाक का मौका हमारे हाथ से गया, अभी हदीस के रोशनी में जो हिजाब के ऊपर आने वाला है इसे खारिज करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इसलिए जल्दबाजी ना करना, इसमें जैसा रेस्पेक्टेड कोर्ट बोला है इसमें आराम से पूरे लोगों की, पूरी समाज की, मुसलमान समाज की, जो खर्जदारों की, जो खर्जा लिया है ये लोगों की भी जमायत से, हमारे उलमाए करम की जमायत से जो करना चाहिए था, इसके बगैर जो कल फतवा है बंद का, ये फतवे को मुसलमान होते हुए हम, मैं भी मानता हूँ, फतवा जारी किए हैं अमीर शरिया सगीर अहमद साहब, और कर्नाटक में भी इसको अमल करें। सुप्रीम कोर्ट बोला है जल्दबाजी ना करें, ये भी एक सबक है, तो हम जल्दी किए, जल्दी से ट्रिपल तलाक का जो होगा वो हो जाएगा। उसके बाद जो लोग पिटिशनर्स गए हैं, जो पिटिशनर के वकाला गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे हैं, चाहे हमारे उलेमा शरीफ भी हो, जिम्मेदारी देश की, इंटरनेशनल वर्ल्ड की उनके सर पे जरूर आएगी।